फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक फॉर 11th क्लास रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करते हैं, देर इज नो नीड टू रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट कंपलसरी, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल पार्टी, पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर एंड फर्म, इफ फर्म रजिस्टर्ड हिज बिजनेस। तो बेटा आज का टॉपिक क्या रहेगा? बेटा पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराएं तो क्या एडवांटेज है, और रजिस्टर्ड ना करवाएं तो उसे क्या डिसएडवांटेज है। तो सो टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, देयर इज नॉट नेसेसरी टू गेट फर्म रजिस्टर्ड, बट इट इज ऑलवेज यूजफुल टू गेट फर्म रजिस्टर्ड। बेटा रजिस्ट्रेशन फर्म का करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये फर्म के लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है अगर रजिस्टर्ड कराते हैं तो। इसका प्रोसीजर क्या होता है बेटा? हम हर स्टेट के अंदर एक क्या होता है बेटा, फर्म का रजिस्ट्रार, ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा था, उस रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके हम अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे हमने कोई स्कूल ओपन करना बेटा, उसकी एफिलेशन नहीं लेंगे तो क्या नुकसान है, और एफिलेशन लेने से क्या फ़ायदा है, और एफिलेशन कहाँ पे लेंगे? जैसे हम चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ पे अब स्कूल की फ़ाइल बना के और उस फाइल में ये चीज़ें लिख के वो उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर रजिस्ट्रार उन फाइलों को प्रॉपर चेक करेगा और वो उसे सेटिस्फाई है, तो एक सर्टेन फीस ले के हमारी फर्म का क्या कर देगा बेटा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, और एक हमारे को सर्टिफिकेट दे देगा। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, और व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन फर्म। यदि हमने फर्म का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं? नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया है विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, तो कोई एक पार्टनर कोई भी कानूनी एक्शन दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट नहीं ले सकता। सेकंड वन, नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट। अगर फर्म में से कोई पार्टनर जा रहा है और वो अपना हिस्सा लेना चाहता है तो वो फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। फर्म भी पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस स्टार्ट नहीं कर सकती, कोई एक्शन नहीं ले सकती। फर्म कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टी, जैसे हमने किसी थर्ड पार्टी गुड्स बेच दिया उधार पर, वो रुपए नहीं देता और हमारी फर्म है अनरजिस्टर्ड, तो फर्म उसके अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकती। तो बेटा हम फर्म का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो पार्टनर को, फर्म को, सभी को लॉस होता है। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट, अगर फर्म रजिस्ट्रेशन कराती है तो क्या क्या बेनिफिट होता है फर्म को, पार्टनर को, आने वाले पार्टनर को और रिटायरिंग पार्टनर को? तो बेटा फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने से डिफरेंट पार्टी बेनिफिटेड होती हैं। एक तो कौन बेटा, फर्म को क्या बेनिफिट होगा? फर्म गेट राइट टू सूट ए फाइल अगेंस्ट थर्ड पार्टी। हमने थर्ड पार्टी बोल दे एक्सटर्नल पार्टी, उसके अगेंस्ट फर्म केस कर सकती है अगर हमारे को टाइम पे पेमेंट ना करे। कब? जब हमने फर्म का क्या करा रखा है बेटा, रजिस्ट्रेशन करा रखा है। बेनिफिट टू द पार्टनर, तो पार्टनर भी एक दूसरे के अगेंस्ट, कोई मान लो तीन पार्टनर और एक पार्टनर अपने राइट को लेने के लिए बाकी पार्टनर के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। थर्ड वन इज बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस टाइम पर फर्म रजिस्टर्ड है तो उसको क्या फ़ायदा, वो अपने राइट की प्लेडिंग यानी ले सकता है। अदरवाइज अगर फर्म नॉन रजिस्टर्ड है तो उन्होंने बाकी पार्टनर के ईमानदारी पे ही काम करना पड़ेगा। तो नया पार्टनर आता है तो इनकमिंग पार्टनर फॉर्म ए रजिस्टर्ड फर्म इज कैपेबल टू प्लीडिंग फॉर हिज राइट, वो अपने राइट ले सकता है ठोक बजा के, अदरवाइज तो बेटा उसने बाकी पार्टनर की ईमानदारी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं उनको क्या क्या एडवांटेज हैं? तीन पार्टनर थे, उसमें किसी का अगर डेथ होती है तो डेथ होने के तुरंत बाद उसके नॉमिनी को, उसके उत्तराधिकारी के, उसको सक्सेसर को, उसके मरने के बाद फर्म की एक्टिविटी में के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हैंस टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डू नॉट हैव टू गिव एनी पब्लिक नोटिस टू द दिस इफेक्ट। उसके मरने के बाद फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली उसका सक्सेसर कोई भी रिस्पॉन्सिबल
नहीं होगा फर्म के वर्क से बेटा, उसने कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं देना बेटा, ऑटोमेटिकली वो फर्म से आउट हो जाएगा। ऐसे ही कोई पार्टनर अपनी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा था, उसने भी पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती, केवल केवल वो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देगा कि मैंने ये पार्टनरशिप छोड़ दी है। और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो फर्म के बाकी के टाइम के लिए जो भी काम होंगे उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो बेटा फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो सभी को, पार्टनर को, फर्म को लॉस होता है, रिस्क होता है, लेकिन पार्टनरशिप का अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फर्म को भी, पार्टनर को भी, आने वाले पार्टनर को और रिटायरिंग पार्टनर को और डेथ ऑफ पार्टनर सभी को एडवांटेज होता है। सो फर्म रजिस्टर्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल पार्टी। थैंक यू बेटा।